गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विजेंद्र, मैथ टीचर फ्रॉम सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14। इसके अंदर आपके पास जो सबसे पहले आता है वो रहता है डेटा। ठीक है, क्या होता है डेटा? अब डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होती है, मिलती है किसी के भी थ्रू, वो हमारा डेटा होता है। जैसे नंबर ऑफ बसेस इन आवर स्कूल, नंबर ऑफ रूम्स इन आवर हाउस और आवर इन स्कूल, ये सब क्या है? डेटा। अब डेटा की टाइप होती है, डेटा हमारे पास टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है, एक पहला क्या होता है प्राइमरी। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी वो डेटा होता है जो हमें डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है, वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी डेटा। जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन आवर फैमिली, नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली के अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? तो नंबर ऑफ मेंबर इन आवर फैमिली, ठीक है, फैमिली के अंदर कितने मेंबर है, ये हमारा प्राइमरी डेटा हो गया। ठीक, नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ मैन इन आवर सिटी, अब वो नंबर ऑफ मैन हम पता करेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, वो इंफॉर्मेशन हमें किसी दूसरे से लेनी होगी, तो प्राइमरी डाटा नहीं होगा। सेकंड आपका आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी डेटा क्या होगा? वो डेटा जो हमें किसी सेकंड पर्सन के यानी किसी दूसरे के थ्रू मिलता है, वो हमारा सेकेंडरी डेटा होगा। जैसे नंबर ऑफ टीचर्स इन आवर स्कूल, ठीक है, हमारे स्कूल के अंदर कितने टीचर्स हैं? अब ये इंफॉर्मेशन हमें ऑफिस से मिलती है यानी किसी दूसरे के थ्रू, तो हमारे लिए वो डेटा है वो क्या हो गया? सेकेंडरी। ठीक है, तो ये टू टाइप के आपके पास डेटा होते हैं। उसके बाद आपके पास एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी डेटा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितनी बार यूज हो रहा है, कितनी बार लिखा गया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। जैसे हम नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट के फाइंड करें तो पहले थ्री आ गया, फिर टू, फिर थ्री, फिर टू, तो ये थ्री कितने टाइम्स हो गया? टू टाइम्स। टू कितने टाइम्स हो गया? टू टाइम्स। तो ये जो है टू और टू, ये इन डेटाज की क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। और इसको हम किससे करते हैं नोट? एफ से। किससे? एफ से। उसके बाद आपके पास आता है टेलीमार्क्स, एक आता है आपका टेलीमार्क्स। जैसे कोई भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम इस टेलीमार्क्स की लैंग्वेज में यूज करते हैं, लिखते हैं। जैसे हमने इसका टेलीमार्क्स लिखा तो ये जो फ्रीक्वेंसी है टू है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? टू लाइन कर देंगे। अगर ये फाइव होगी, वन होगी तो वन लाइन होगी, टू होगी तो
टू लाइन रोमन की तरह, थ्री होगी तो थ्री लाइन कर देंगे, फोर होगी तो फोर लाइन, और फाइव होगी तो फोर लाइन को कट कर देंगे फाइव, एंड सिक्स फिर यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सिक्स कैसे बनेगा, फाइव प्लस वन, यानी सिक्स को कैसे बनाएंगे, फाइव और एक वन, ये सिक्स बन गई। सेवन हो जाएगा तो सेवन कैसे बनेगा, फाइव और टू, टेन के बाद फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये आपका होगा टैली मार्क्स। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, और एक होती है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो क्या होगी ग्रुप, और एक होता है अनग्रुप्ड, एक होता है ग्रुप और एक हो गया अनग्रुप्ड। तो ग्रुप क्या होगा कि जैसे कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन दी, कम हमारे पास डेटा होते हैं तब हम उसको अनग्रुप्ड बनाते हैं। जैसे नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ फाइव स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फाइव स्टूडेंट्स के अगर हम मार्क्स लिखें तो किसी बच्चे के आउट ऑफ 20, तो किसी बच्चे के मान लो फाइव आ गए, किसी के सेवन आया है, किसी के टू आया है, किसी के टेन आया है, और किसी के फिर फाइव आया है, तो ये फाइव स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। तो इसको हम अनग्रुप में लिखते हैं। ग्रुप में जैसे हमें नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, नाइन्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें अगर लिखने हैं, तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए इसलिए हम उसको ग्रुप्ड बनाएंगे, अनग्रुप्ड बहुत लंबा हो जाएगा और उससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड। ग्रुप कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास 20 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स में से वो मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के, तो हम इसके ग्रुप बना लेंगे 5 का, जैसे 0 to 5 मींस हम यहां वो स्टूडेंट लेंगे जिनका मार्क्स 0 से 5 के बीच में आया हुआ है। जैसे 0 to 5 मतलब 0 भी जिसका है वो इसी में काउंट होगा, और 4 तक मतलब लेस देन 5। तो मान लीजिए वो 10 स्टूडेंट है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5 to 10, सेम रखना है, ये डिफरेंस सेम रखना है। इसको हम बोलेंगे क्लास, क्या बोलेंगे इसको, क्लास, ये बोली जाती है आपकी क्लास, फर्स्ट हो गई सेकंड हो गई। मान लीजिए स्टूडेंट है 5, 10 to 15 मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, 15 to 20 मान लीजिए ये 100 स्टूडेंट है। तो ये मतलब सभी स्टूडेंट्स का डिटेल आ गया, ये हमारी क्लास कहलाएगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका कहलाएगा क्लास का साइज। 0 to 5 का डिफरेंस है, क्लास का साइज 5 हो गया, 5 to 10। अच्छा ये 5 यहां काउंट नहीं होगा, अगले में होगा, ये 10 यहां नहीं होगा, नेक्स्ट में होगा, ये यहां नहीं होगा, नेक्स्ट में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास ये जो होगा ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, ठीक है, ये आपकी क्लास हो गई। इसका जो डिफरेंस हो, क्लास साइज हो गया, ये लिमिट हो गई, नीचे की लिमिट लोअर लिमिट, ये ऊपर की लिमिट अपर लिमिट, ये नीचे की लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये हमारा हो गया ग्रुप और अनग्रुप। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।